अस्सलाम वालेकुम। आज हम पानी के बताशे बनाने जा रहे हैं, जिसे गोलगप्पे भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये आधा कप हमने मैदा लिया है और ये आधा कप रवा है। इसको एक साथ मिक्स कर देंगे। इसमें नमक या सोडा हम कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट डो लग कर लेंगे, जिसमें बाद में ये जो सूजी इसमें हमने डाला है रवा, ये इसमें थोड़ा सा फूलेगा। बस ये हमने इतना कर लिया और इसके बाद इसको हम एक गीले कपड़े से ढक करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसके पूरियां जो होती हैं पानी पूरी के लिए, या बताशे हम लोग कहते हैं लखनऊ में, उसको बेलेंगे। ये देखिए, एक हमने कपड़े को गीला कर लिया है और इससे इसको ढक के हम रख देंगे। 20 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। बीस मिनट हो गए थे, देखिए अब इतना टाइट हो गया है। ये हमने बिल्कुल सॉफ्ट लगाया था इसको, तो थोड़ा सा इसको हम मसल लेते हैं। दो पोर्शन इसके हम कर लेंगे। हम इसको यहीं पर बेलेंगे क्योंकि इसको बड़ा सा थोड़ा बेलना है, इससे आसानी से ये बेल जाएगा। इसको पतला थोड़ा बेलना है तभी ये, और अभी थोड़ा सा पतला करेंगे इसको। अब कोई इस तरह की कटोरी हो आपके पास या कुछ और कोई ढक्कन हो तो इसे इस तरीके से काट सकते हैं। देखिए थोड़ा छोटा है तो इस तरीके से इसको काट के निकाल सकते हैं। ये देखिए ना, इतने पतले पतले से बेले। इस तरीके से हम रख देंगे इसमें।
इस तरीके से हमने निशान बना के इसको काट लिया है। और एक एक उठा के हम इस पे रख देंगे। बस इसी तरीके से ये सारे हम बेल लेंगे। ये जो कतरन इसकी बची हैं इसको भी मिला देंगे एक में और फिर से बेलेंगे। ये देखिए हमने सारी पानी पूरी जो है बेल ली है जितने आटा था। तो इसकी एक ही चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, तो ये ऊपर की जो लेयर है ये हल्की सी खुश्क हो जानी चाहिए और ये नीचे की थोड़ी नम रहना चाहिए। तो जब तेल में डालेंगे तो ये नम वाला हिस्सा नीचे डालेंगे और ये ऊपर की तरफ। तो जब तक ये हमारा तेल गर्म हो रहा है थोड़ी सी इसमें हवा लग जाएगी। पंखे की हवा नहीं लगानी है, बस ऐसे ही जो हवा नॉर्मल होती है किचन में वो उस तरीके से। मैं तेल बिल्कुल तेज़ से गर्म हो गया, सबसे पहले हम इस तरीके से डाल के देखते हैं। तेज़ आंच पे इसको पकाना है, खोलता हुआ तेल है। तो ये देखिए हमारे पानी के बताशे बन के रेडी हो गए हैं। इसको 2 घंटे के लिए कम से कम जो है ऐसे ही खुले में छोड़ना है, तभी जाके बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे, क्योंकि बाद में ऐसे मुलायम लगेंगे थोड़े से। तो ये देखिए अभी एक थोड़ा पहले का था तो ये हमने तोड़ के देखा। ये देखिए इस तरीके से ये बना है बिल्कुल। तो ये देखिए हमारे पानी के बताशे बन के तैयार हो गए हैं। ये हमने धनिया पुदीने की चटनी बना के इसका पानी बनाया है हरा वाला। तो इसका हम लिंक तो नहीं, मगर हम डिस्क्रिप्शन में इसके इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये मटर है, इसको हमने नमक और बेकिंग सोडा डाल के उबाल लिया था। ये मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी भी पड़ी है हमारे चैनल पर। और ये दही है, तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग आलू के साथ खाते हैं तो आलू भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।